हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी, लार्जेस्ट इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अकेडमी। एंड गाइस, टुडे वी आर हियर वंस अगेन फॉर द करंट अफेयर सेशन। हम पूरे मार्च को करंट अफेयर के माध्यम से कवर कर रहे हैं दोस्तों। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ दिस सेशन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो पूरा मार्च का मंथ है मेरा, उसको मैं MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं उसको पूरा कवर करने का कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ अ करंट अफेयर टेस्ट, ये मार्च का है दोस्तों। एंड सेकेंड सेशन है हमारा अन अकेडमी ऐप के ऊपर। याद रखिएगा, मेरा नाम है सुमित कुमार, मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, मेरा नाम अन अकेडमी पर सुमित कुमार। तो जो भी बच्चा मुझे अन अकेडमी ऐप पर ढूंढता है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, मेरे को सुमित राठी से नहीं ढूंढना। सुमित राठी से ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सुमित राठी उसमें कोई है ही नहीं। सो आप जब भी कोई बच्चा जो मेरा स्टूडेंट है और अन अकेडमी पे सर्च करता है, तो आपको यूज़ करना है क्या दोस्तों, सुमित कुमार। तो आप वर्ड क्या सर्च करोगे, सुमित कुमार, आप बताओगे भी सुमित कुमार। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप किसके स्टूडेंट्स हैं, तो आप बताओगे कि भी हम सुमित सर के स्टूडेंट हैं और सुमित कुमार के स्टूडेंट्स हैं। सो आप में से कोई ये ना कहे कि यार सुमित राठी, बिकॉज अगर मैं बताऊं सही में तो सुमित राठी नाम का कोई वहाँ है ही नहीं। ठीक है, सो वो वाली थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है, तो वो यार कोई नहीं करने का। ओके ठीक है, समझ गए। चलिए, अब ये मेरे कोड है दोनों, सुमित 10 और सुमित SP, दीज आर माई कोड। ठीक है, मेरे रेफरल कोड है, आप इन दोनों कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ एन अकेडमी। अन अकेडमी पे अभी एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, इस मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, आप 1 साल का सब्सक्राइब करना चाहते हो, बट आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, 4 मंथ का एक्स्ट्रा, 4 मंथ का एक्स्ट्रा, मतलब 1 ईयर कॉम्बो हम लेते हैं, तो सोचो 4 मंथ का क्या मिल रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा मिल रहा है। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मेल लिख लीजिएगा, मेरी मेल आईडी आपको मिल जाएगी, बच्चे आपको मेरी मेल आईडी दे देंगे। आप मुझे मेल लिख दो, डायरेक्ट मेरे से पूछो, मेरे से बात करो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, सो गाइज याद रखिएगा, तो ये हमारा मार्च का सेकेंड सेशन है हमारा, मतलब मार्च मंथ को हम कवर कर रहे हैं आज, और दिस इज़ अवर सेकेंड सेशन, ये दूसरा सेशन है जिसके माध्यम से मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अन अकेडमी ऐप पर मेरा नाम जो है वो है दोस्तों सुमित कुमार, ना कि सुमित राठी। एंड हियर इट इज़। सो दोस्तों, 25 मार्च, 25 मार्च से हमारा हो गया था इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट, है ना। ये इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स दोस्तों लाइव रहता है 4 बजे, तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। कोड रहेगा आपका सुमित 10, सुमित 10 और सुमित SP, दोनों ही कोड मेरे हैं, आप कोई भी कोड इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, दोनों कोड मेरे ही हैं। अगर किसी का कोड इनवैलिड बता रहा है, कोई दिक्कत बता रहा है, तो आप मुझे फटाफट उसी टाइम पे मुझे मेल लिख दो, मेरी मेल आईडी आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड जब आप इससे सब्सक्राइब करोगे, तो यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। कितना, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, है ना। सो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के अंदर में आप 1 ईयर का करते हो, तो आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा मिलता है दोस्तों। ठीक है, यू विल गेट 4 मंथ एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। एंड गाइज, वन थिंग जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, सुमित 10 कोड, यार आप मेरे स्टूडेंट हो, सुमित सर के स्टूडेंट हो, जो आपको अन अकेडमी से आपको कॉल आते हैं, बट दीज कॉल्स आर फ्रॉम द सेल्स टीम, है ना। तो सेल्स टीम दे डोंट नो मच अबाउट द UPSC, बट हमें ज़्यादा पता है दोस्तों। तो इट्स बेटर कि आप अपने एजुकेटर का कोड यूज़ करो। सो ऑलवेज यूज़ द कोड सुमित 10 रेदर देन यूजिंग एनी अदर कोड। अदर कोड यूज़ करने से अच्छा क्या है, आप सुमित सर का कोड यूज़ करो, आप अपने एजुकेटर का कोड यूज़ करो, आप उनका कोड यूज़ करो जिनसे आप पढ़ते हैं, जिनसे आप समझ पा रहे हैं, जिनकी आप क्लासेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो सुमित 10 कोड आपको यूज़ करना है। कोई भी डाउट हो, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर, मुझे डायरेक्ट मेल करो, मैं आपको समझाऊंगा। सो ज्योग्राफी 101, मैप्स 101 इसको हम बोलते हैं, UPSC 101, है ना, करंट अफेयर 101, ये अपने चैनल हैं यार, 4 अलग अलग, इन चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे और अपनी क्लासेस को पूरा करो। साथ ही साथ दोस्तों, अन अकेडमी ऐप पर भी मैं हूँ। अन अकेडमी ऐप पर जैसे मैं अभी बता चुका हूँ, मेरा नाम है सुमित कुमार, तो मुझे सुमित कुमार से सर्च करो, जाके फॉलो कर लो यहाँ पे भी, ताकि मेरी सारी क्लास का अपडेट आपको मिल जाए। सुमित 10 और दूसरा कोड भी है मेरा सुमित SP, दोनों कोड अपने ही है, कोई भी कोड लगाओ आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला सवाल जो है दोस्तों वो क्या, विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कह रहा है, द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर ईच कॉन्ट्रीब्यूट 30%
of the employee basic salary and dearness allowance towards the EPF. कह रहा है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं दोस्तों, किसका, जो एम्प्लॉई जो होता है ना उसकी बेसिक सैलरी का. अ पर्सन मैंडेटरी बिकम्स अ मेंबर ऑफ ईपीएफ इफ़ हिज मंथली सैलरी डज नॉट एक्सीड द 15,000. कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी भाई मंथली सैलरी 15,000 से ऊपर नहीं होती तो वो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बन जाता है, वो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बन जाता है. अब आपको मुझे सही स्टेटमेंट बतानी है जल्दी से, पोल में जनरेट कर रहा हूँ, फटाफट आप मुझे आंसर दोगे. बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छी चीज़ है, आप मुझे जल्दी से इसका क्या करो, जवाब दो जल्दी. चलिए, सो खुशबू, बहुत बढ़िया, खुशबू ने सही जवाब दिया बिल्कुल. कोमल अहीर, उसके बाद है तरनप्रीत कौर, उसके बाद है प्रियंका, सत्यप्रकाश, सिद्धेश्वर, उसके बाद है वैभव, मीनू चौधरी, ज्योति और रोहित. बहुत बढ़िया, शाबाश. देखो यार, एम्प्लॉई जो है वो, ये अगर हम बात करें यार, 12% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कितना, 12%. तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है. दूसरा, हाँ ये बात सही है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से नीचे है तो आप ऑटोमेटिकली ईपीएफओ के अंदर आ जाते हैं, ईपीएफ स्कीम के अंदर आ जाते हैं, एम्प्लॉई प्रोविडमेंट. अरे बार बार सुनते नहीं हो, पीएफ कहते हैं इतना पीएफ काट के देगा इतना एक. तो वो पीएफ जो होता है दैट इज़ प्रोविडेंट फंड, है ना, तो वो कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है टुवर्ड्स योर सोशल सिक्योरिटी. और इस पूरी चीज़ को रेगुलेट करने वाली संस्था होती है जिसका नाम है ईपीएफओ, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑफ फंड, ठीक है, ऑफ इंडिया. सो चलिए इस पे बात कर लेते हैं. इसका सही स्टेटमेंट था बी, जैसे मैंने आपको बताया ये सही था, ये गलत था. उसके बाद हम बात करते हैं, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एक स्कीम होती है, ठीक है. ये किसके लिए होता है दोस्तों, एंड ये किसके अंडर में आती है, आती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952. कर्मचारी भविष्य निधि, नाम से ही समझ गए, कर्मचारी के भविष्य को सिक्योर करने के लिए एक निधि बनाई गई है, पैसा इकट्ठा किया गया है. सो योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम 1952 के तहत मुख्य योजना है. द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स ईच कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ द एम्प्लॉयज़, है ना, ये 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक सैलरी होती है उसकी. लेकिन याद रखना है, एम्प्लॉई की जो सैलरी है वो कम से कम 15,000 से कम होना चाहिए. और कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, 12% सैलरी में से कट जाता है. और 12% कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो एम्प्लॉयर है, जो उसको रोजगार देता है. तो कुल मिला के 24% जो है वो आपका, मान लो आपकी सैलरी 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये में से 24% जो है वो हर बार कहाँ जमा होता रहेगा दोस्तों, ईपीएफ स्कीम के अंदर. जैसे ही आप इधर से हटोगे, एक रिटायरमेंट टाइप का प्लान है, पेंशन टाइप का, कुछ ऐसा ही समझ लो. बाकी डिटेल में आपको अर्चित बताएगा जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, ठीक है. विद रेफरेंस टू द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन इंडिया, ये भी न्यूज़ में रहा था थोड़े दिन पहले. इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस का लोकपाल क्या होता है, थोड़े दिन पहले बताया था. Consider the following statement. कह रहा है, it derives its power from the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. कह रहा है कि इसका जो real power है वो IRDA के तहत में 1999 के अधिनियम के तहत में ये power निकालता है, अपनी सारी इसकी power है. दूसरा कह रहा है कि he serves his office for the term of 5 years and is not eligible for reappointment. वो 5 साल के लिए अपने कार्य पर रहता है और अपने कार्य के बाद, 5 रहने के बाद वो अपनी पुनर्नियुक्ति नहीं कर सकता, मतलब दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता. हिज ज्यूरिसडिक्शन कवर द डेफिशिएंसीज इन द सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स ब्रोकर्स एंड द अदर इंटरमीडिएटरीज. उनका अधिकार क्षेत्र बीमाकर्ताओं, एजेंट, दलालों और अन्य मध्यस्थों की सेवा की कमियों को कवर करता है. अब आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आपसे क्या पूछा है दोस्तों,
आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिगार्ड टू दिस क्वेश्चन. इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के संबंध में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है. ठीक है, चलिए मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, फटाफट आप लोग इसका जवाब दो जल्दी से मुझे. आपको बताना है कि क्या, अब मैंने न्यूज़ भी कराई हुई है, पता, मैं न्यूज़ भी कोट कर सकता हूँ, मेरे को अभी भी याद है. ठीक है, अभी भी याद है मेरे को. तो कोमल अहीर, उसके बाद है वैभव कतियार, उसके बाद है ज्योति जोशी, उसके बाद है सत्य प्रकाश, उसके बाद है आयुष मेहता, उसके बाद है ज्ञानावत्स, उसके बाद है मीनू चौधरी, नरेन शर्मा, उसके बाद है राम कुमार और केजे. मेरे को अभी भी याद है, ठीक है, इसके बारे में अभी भी याद है मेरे को. भारत सरकार ने अभी हाल ही के अंदर में क्या किया था, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया था, जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन एक्ट है इसमें संशोधन किया था. संशोधन क्यों किया था, क्योंकि जो इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, ठीक है, जो दलाल हैं बीच के अंदर, इंटरमीडिएटरीज हैं, वो चाहता था कि वो भी इसी के अंडर में आए, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के अंदर आए. मतलब आप अपनी कंप्लेंट इनके खिलाफ भी कर सकते हो. ठीक है, तो अभी अभी इसमें रिसेंटली हाल ही में इसमें संशोधन हुआ है, तो इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी. तो ये तो बात तो सही है, मुझे पता है, क्योंकि ये करंट अफेयर की स्टेटमेंट है. ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट, ये आता है फैक्चुअल. देखो मैं बता दूं कि इसको पावर तो आईआरडी एक्ट से मिलती है, आईआरडी एक्ट 1999 से ही इसको पावर मिलती है. बट ये कह रहा है कि इसका टर्म 5 साल का, भाई 5 साल का नहीं, पहली बात तो 3 साल का है. फिर ये कह रहा है कि इज़ नॉट एलिजिबल, ही इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, परंतु मान के चलो रीअपॉइंटमेंट 70 साल के बाद नहीं हो सकता. मान लो बुढ़ाऊ हो रखा है, वो 70 साल का हो रखा है, ठीक है, मतलब फिर उसके बाद में उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा. समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान देना है. इसीलिए कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया इसमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, दूसरा. सो सेकेंड इज इनकरेक्ट, बाकी सब क्या है दोस्तों, करेक्ट है. ठीक है, अच्छा, कोई भी बच्चा, मैंने बार बार बता रहा हूँ, आज मेगा सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट है, 31st of March. टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर मेगा सब्सक्रिप्शन. 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे यू विल गेट 4 मंथ एक्स्ट्रा, 4 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा आपको. और 5 तारीख से अपना नया बैच वी आर इंडियन पॉलिटी का, और अभी 25 तारीख से एक बैच आया था जिसकी सिर्फ 2 ही क्लासेस हमारी हुई हैं. ठीक है, बीच में होली थी, तो ये भी है और ये भी है, दो बैच है हमारे. सो फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग द कोड सुमित10. कोड याद रखिएगा, आपको सेल्स टीम वाले कॉल करेंगे, दे विल टेल यू द डिफरेंट कोड, बट आपको कोड सुमित10 ही यूज़ करना है, बिकॉज इतने दिन से आप मेरे से पढ़ रहे हो दोस्तों. ठीक है, वो सेल्स टीम वाले, उनको कुछ नहीं पता हाउ विल दे गेट सॉल्व, हाउ एग्जैक्टली दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, है ना. सो अल्टीमेटली एजुकेटर विल हेल्प यू, सो ऑलवेज यूज द कोड सुमित10. चलिए, सो कंसिडर द फॉलोइंग एक्सरसाइज, डेजर्ट फ्लैग के बारे में है दोस्तों. तो ये हमने कर लिया था, बट ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे, तो मैंने इसको दोबारा डाल दिया, और जल्दी जल्दी में था. तो जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज. देखते हैं कितनी मेमोरी पावर है अभी आपकी, जस्ट अभी किया था, इसमें मुझे 100% आउटपुट चाहिए, बट देखते हैं कितने परसेंट आता है. सर मुझे BI नहीं आ रहा, सर मुझे भी नहीं आ रहा, सर डिस्करेज हो रहे हैं. किस चीज़ में डिस्करेज हो रहे हो भाई, क्या नहीं आ रहा बताओ. हाँ भाई, अहमद हुसैन, आप एक बार क्वेश्चन बॉक्स में लिख दीजिए अपना. अच्छा, मैं अभी प्लस पे, आप जितने भी बच्चे हैं, जो भी डाउट है आप क्वेश्चन बॉक्स में लिख दो, मैं सभी के जवाब दूंगा. मैं आज क्लास ख़त्म करूंगा, उससे पहले सभी के जवाब दूंगा, आप रुक जाना, क्लास ख़त्म होने के बाद रुक जाना, मैं सबके जवाब दूंगा. ठीक है, अभी क्लास कर लेते हैं. पहले कोमल अहीर, वैभव, उसके बाद है ज्ञाना, सत्या, उसके बाद है मीनू चौधरी, उसके बाद है भैसाली, उसके बाद राम कुमार, उसके बाद है शीतल कौर, पूजा पाल और अंश गुप्ता. बहुत अच्छे यार, शानदार. सो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है. तो सर सही स्टेटमेंट क्या है, देखो सही स्टेटमेंट यहाँ देखते हैं. एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो है, इट्स एन एनुअल मल्टीलेटरल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज बेसिकली होस्टेड बाई UAE एयर फोर्स. तो यहाँ पर कौन सी है, UAE की एयर फोर्स है. ठीक है, डेजर्ट फ्लैग जो है इज़ अबाउट 3 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज. ये शेड्यूल है आपकी 3rd से लेकर 27th of March तक. कहाँ पर दोस्तों, अल दाफरा एयरबेस इन USA. पहली बार इंडियन जो एयरफोर्स है वो इसके अंदर में क्या कर रही है दोस्तों, पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग सिक्स. इसके अंदर में क्या कर रही है दोस्तों, आपका पार्टिसिपेट कर रही है. ठीक है, ये बात याद रखोगे आप. ओके, ठीक है, चलिए.
सो द एयरफोर्स ऑफ यूएई, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, बहराइन, ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। आईएएफ की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? Sukhoi 30 MKI, 2 C-7 ग्लोब मास्टर है ना, एंड 1 IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट। तो ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंडिया से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, दिक्कत है कोई? ठीक है, सही है ना? हाँ, क्वेश्चन में इनकरेक्ट था, क्वेश्चन में इनकरेक्ट था, तो मैं तो बोलूँगा ही ना, तो मैं थोड़ा बहुत भी घुमाऊँ ना आप लोगों को। मेरी तरफ क्यों ध्यान देते हो, थोड़ा पढ़ाई पे इधर देखो ना, क्वेश्चन को देखोगे तभी तो बात बनेगी। हाँ, दोनों सही है, इसीलिए तो हमने नॉट करेक्ट पूछा है ना। सो नॉट करेक्ट में तभी तो डी सही जवाब होगा। थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट पे ध्यान दो, ठीक है? इसीलिए तो मैंने कहा देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, ठीक है? नहीं, सी नहीं होगा ना, नॉट करेक्ट पूछा है, जो गलत नहीं है। और ये दोनों बातें सही हैं, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है? सो इसीलिए इनकरेक्ट पूछा है तो आपको क्या होगा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो दोनों तो करेक्ट हैं, ठीक है? तो सही है बिल्कुल, ध्यान से पढ़ो, पता चल, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक ब्राउन बबलर। ये ब्लैक ब्राउन बबलर के बारे में आपको बताना है, ठीक है? व्हाट इज दिस ब्लैक ब्राउन बबलर, ठीक है? ये न्यूज़ में थी यार, ब्लैक ब्राउन बबलर है ना, हमने इसको कवर भी किया था। कह रहा है इट इज़ अ बर्ड रिसेंटली रीडिस्कवर्ड इन द कालीमंतन, इंडोनेशिया। याद करो, याद करो भाई, ब्लैक ब्राउन बबलर, मैंने अपने खुद करंट अफेयर में इसको कवर किया था। तो जो ब्लैक ब्राउन जो बबलर है दोस्तों, इसको अभी अभी ये गायब हो गई थी, बट इसको अभी कालीमंतन के द्वारा, कालीमंतन के अंदर में इसको रीडिस्कवर किया, पहली बात। दूसरा, इट इज़ लिस्ट एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। इसको IUCN की रेड लिस्ट के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है? क्या माना गया है इसको, कि ये क्रिटिकली क्या है, एंडेंजर्ड है। सो उसके बारे में आपको मुझे बताना है फटाफट से, ठीक है? चलिए, सो फटाफट करते हैं। ये मैंने खुद मॉर्निंग करंट अफेयर में आपका कवर किया है, अगर इसमें आपने गड़बड़ की तो सजाए मौत से आपको कोई नहीं बचा सकता मेरे से, ठीक है? पक्की बात है, सजाए मौत दूंगा मैं आपको। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें सर? आप सी सेट? मैं सी सेट नहीं पढ़ाता। और ज्योग्राफी में कौन से चैप्टर पढ़ लें यार, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हर किताब में चैप्टर का नाम अलग है। मेरा चैनल पे काम चल रहा है, आप एक काम करो, ये चैनल फॉलो करो, UPSC 1। आधे लोगों को मुझे लगता है, बहुत लोगों को पता नहीं है, UPSC 101 ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है? तो आप यूट्यूब पे जब ये लिखेंगे ना जाके, वहाँ पे हमारा पूरा 6 मंथ का कोर्स चल रहा है, ठीक है? 3 मंथ का कोर्स चल रहा है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है? सो ज्ञानावत्स, उसके बाद है मीनू चौधरी, सत्यप्रकाश, उसके बाद है राम कुमार, उसके बाद है खुशबू, स्मृति, विवेक, सोनम, प्रिंस, फीलाकाश। बहुत बढ़िया। सो अभी बता दूँ, देखो इसको, इस पक्षी को ना, ब्लैक ब्राउन बबलर जो है, इसको हाल ही में रीडिस्कवर्ड किया गया, दोबारा इसकी खोज हुई है दोस्तों। कहाँ पर हुई है? कालीमंतन, इंडोनेशिया के अंदर, इस बात में तो कोई शक है नहीं, ठीक है? ये हुआ है, ठीक है? और इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है, कह रहा है IUCN की, नहीं, भाई इसके बारे में हमारे पास डेटा नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या कहाँ रखा है, डेटा डेफिशिएंट के अंदर रखा है। किसके बारे में? हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है, सो इट्स कम्स अंडर द डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी। सो ये किस कैटेगरी में? आपका DD कैटेगरी के अंदर है। तो विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें अगर मैं पूछूँ तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, डेटा डेफिशिएंट मतलब इसके बारे में आपके पास पर्याप्त डेटा नहीं है, तो इसीलिए इट कम्स अंडर द डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी। ओके, चलो। सो ये भी हो गया हमारा, ठीक है ना? अभी हाल ही में इसकी डिस्कवरी हुई थी, ब्लैक ब्राउन बबलर ए सही जवाब है। कह रहा है इन 1840 अ मिस्ट्री बर्ड वॉज कॉट ऑन एक्सपीडिएशन ऑफ द ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ इन्हीं को बोलते हैं, इंडोनेशिया, इधर ये जो आइलैंड है सारे। तो यहाँ पर एक मिस्टीरियस बर्ड जो थे हमने देखी थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों, ब्लैक ब्राउन बबलर। इसको नाम दिया गया था ब्लैक ब्राउन बबलर, ठीक है? 1840 के दशक में इसको देखा गया था। द स्पीसीज वॉज नेवर सीन इन द वाइल्ड अगेन। दोबारा से पक्षी कभी दिखाई नहीं जंगल में, वाइल्ड के अंदर मतलब ये जंगल में कभी ये पक्षी हमें दोबारा दिखाई नहीं। एंड सफर्ड स्पेसिमेन फीचर्स अ ब्राइट येलो ग्लास आईज। इसकी जो आंख देखोगे ना, तो पीले ग्लास कलर की आई है, ठीक है? आईज वॉज द ओनली प्रूफ ऑफ इज एग्जिस्टेंस। तो यही एकमात्र एग्जिस्टेंस का प्रूफ था इसका हमारे पास, ठीक है? बाकी और कोई हमारे पास इसके अस्तित्व का प्रमाण नहीं था। हाल ही में ब्लैक ब्राउन बबलर जो है, ये इसका साइंटिफिक नाम है दोस्तों, वॉज रीडिस्कवर्ड इन सदर्न कालीमंतन। अभी दक्षिणी कालीमंतन के अंदर इसको दोबारा डिस्कवर किया गया है।
द पार्ट ऑफ बोर्निया दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडोनेशिया, ये एक पार्ट है बोर्निया का विच वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द इंडोनेशिया. द थर्ड इज ऑफन कॉल्ड, द बर्ड इज ऑफन कॉल्ड एज द बिगेस्ट एनिग्मा इन इंडोनेशिया ऑर्निथोलॉजी. सो इंडोनेशिया की ऑर्निथोलॉजी के अंदर में इसको सबसे बड़ा पक्षी का रहस्य, बड़ा पक्षी रहस्य माना गया है, क्योंकि दोबारा दिख ही नहीं आ रही है और इसका डाटा हमारे पास है नहीं, तो इसको डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी के अंदर में हम रखते हैं. तो ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वन सेकेंड यार, हेलो, हाँ जी, बताइए कितना लोन, कितना लोन चाहिए मैम आपको, बताइए मैं दे देता हूँ आपको. हाँ बताइए कितना चाहिए. हेलो, हाँ हाँ 1 करोड़ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ ठीक है, आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए मुझे इसी नंबर पर, व्हाट्सएप कर दीजिए. ठीक है, हाँ मैं करा देता हूँ. ठीक है, ओके, वेलकम. दिमाग ख़राब कर रखा है इन लोगों ने यार, हर दिन आए दिन 50 कॉल आते हैं, लोन ले लो लोन. अरे क्यों ले लूँ लोन भाई. ठीक है, जिनको लोन चाहिए तभी, मुझे लोन चाहिए ना तो देंगे नहीं है. अभी सर BMW यूज़ कर रहे हैं, सर आप मर्सिडीज़ यूज़ कर रहे हैं, जी वैगन, उस पर कार का लोन. कार लिए तो लोन लेने के लिए थोड़ी नहीं लिया, चलाने के लिए लिए भाई. आए दिन ऐसे ही कॉल. अब मैंने सोच लिया, मैं ये मेरे को बोलते हैं ना कि लोन ले लो, मैं उनसे पहले ही बोल देता हूँ, बताओ लोन चाहिए तुम्हें. कहते हैं सर जी नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए. तो मैं कहा फ़ोन तुमने किया, तुम्हें ही चाहिए होगा. मुझे चाहिए होता तो मैं कॉल करता ना तुम्हें. ठीक है, रोज़ बकवास करते रहते हैं यार, दिमाग ख़राब हो गया, पक गए यार इन चीज़ों से. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो. पहला कह रहा है बेटर देन कैश अलायंस BTCA इज़ अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट दैट फोकस ऑन अबॉलिशिंग फिजिकल कैश एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट ऑप्शन. देखो बेटर देन कैश क्या है, बेटर देन कैश अलायंस क्या है, ये कह रहा है कि बेटर देन कैश अलायंस एक पार्टनरशिप है जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट मिली हुई है. इनका उद्देश्य क्या कह रहा है, अबॉलिशिंग ऑफ फिजिकल कैश. ध्यान से पढ़ना, अबॉलिशिंग ऑफ फिजिकल कैश. फिजिकल कैश मतलब रोकड़ा, नोट जो है उसको अबॉलिश करना, और डिजिटल पेमेंट ऑप्शन को एनफोर्स करना. इंडिया बिकम्स अ मेंबर ऑफ द बेटर देन कैश अलायंस इन 2015. भारत कह रहा है कि भारत जो है इसका सदस्य 2015 में बना था. मैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ मित्रों आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी कौन सी करेक्ट है. ठीक है, ए बी सी और डी में से करेक्ट स्टेटमेंट आप बताओगे. पोल मैं आपका जनरेट करके दे रहा हूँ, आप बस मुझे जल्दी से करेक्ट स्टेटमेंट बता दो, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है फटाफट. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. जल्दी बताइएगा, सत्यप्रकाश, मीनू चौधरी, स्मृति, उसके बाद है सोनम, प्रिंस कुमार, फील आकाश, मनीष, नैन्सी, रेखा, अनिमेश. बहुत बढ़िया भाई, किसी का कोई जवाब हो, सवाल हो ना मेरे से, पूछना हो किसी को, तो आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना, आप क्वेश्चन बॉक्स में पूछना. ठीक है, क्वेश्चन बॉक्स में यार पहले तो ज़्यादा दिखा रहा था, अभी 2 ही क्वेश्चन दिखा रहा है मुझे. क्वेश्चन बॉक्स में जवाब पूछ लेना, हाँ सारे जवाब. ठीक है, क्वेश्चन बॉक्स में कोई भी आपका जवाब हो तो क्वेश्चन बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा. ठीक है, क्लास जब हमारी ख़त्म होगी उसके बाद में मैं आप सभी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसी के बाद में हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी थी, पहली दूसरी तीसरी चौथी में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है आपको बतानी थी, तो स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों आपका बी. देखो कभी भी ना भाई फिजिकल कैश को अबॉलिश नहीं कर सकते, फिजिकल कैश आपके हाथ में होने का अलग ही मजा है. ठीक है, पैसा आपके हाथ में होना वो बहुत लिक्विड एसेट होता है. ठीक है, उसको आप कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो. सो अबॉलिशिंग फिजिकल कैश इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. हाँ डिजिटल पेमेंट को आप प्रमोट कर लो, ये एक अच्छी बात है, बट आप फिजिकल कैश को अबॉलिश थोड़ी ना कर सकते हो. और ये जो आपने बनाई थी बेटर देन कैश अलायंस, भारत ने इसको 2015 में ज्वाइन किया था. ठीक है, तो ये बात सही है, बट पहली बात को हम नहीं मानते. सो इसलिए सही स्टेटमेंट क्या होगा, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, बी करेक्ट स्टेटमेंट है.
बेटर देन कैश अलायंस एक पार्टनरशिप है जिसमें बहुत सारी सरकार, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लोग जुड़े हैं टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन फ्रॉम द कैश टू द ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट. ठीक है. ओके. इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, द यूनाइटेड स्ट्रेटजी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, सिद्धि ग्रुप, उसके बाद फूड फाउंडेशन, उसके बाद है ओमनीदार नेटवर्क. ये सब इसके अंदर में इंक्लूड है. ठीक है, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है. ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है? यूनाइटेड नेशन के अंदर. इसको 2012 में क्रिएट किया गया था. ठीक है, भारत भी जो है वो इसका क्या है, सदस्य है. अब इसमें 75 देश हैं. कितने हैं दोस्तों? 75 देश. इन देश का काम क्या है? डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना. मेंबर डू नॉट वांट टू अबॉलिश द फिजिकल कैश. ये बात ध्यान रखना, फिजिकल कैश को भाई तुम कभी अबॉलिश कर ही नहीं सकते. आज भले ही आप पेटीएम, ये टीएम, वो टीएम यूज़ करते हो, बट फिर भी कैश की अपनी अलग ज़रूरत है. कैश आप लेके चलते हो, जेब में नहीं रख चलते, बताओ. ठीक है, भारत इसका मेंबर कब बना था? 2015 के अंदर. ठीक है, और प्रधानमंत्री ने भी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम चलाया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना. जब मोदी जी आए थे ना तो बड़े गाजे बाजे के साथ में अलग अलग स्कीम चलाई इन्होंने. गंगा को साफ करेंगे, अभी तक तो हुई नहीं है. ठीक है, उसके बाद में रोज़गार देंगे, किसी को रोज़गार नहीं मिला. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. ठीक है, और जो करना चाह रहे थे बट वो नहीं, ब्लैक काला धन वापस लेके आएंगे, वो नहीं लेके आए. कुछ काम उनके टेन्योर में अच्छे हुए हैं. ठीक है, बट मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ज़्यादा टैक्स रिजीम जो है, बेटर टैक्स रिजीम की बात हुई थी. ठीक है, तो बेटर टैक्स रिजीम में जीएसटी एक अच्छा स्टेप है, बट उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आ रही हैं अभी भी, जिसको वो दूर करने में असमर्थ हो रहे हैं. बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको उनको सुधारना चाहिए, और वो लग गए हैं आजकल मंदिर बनाने में. ठीक है, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, जब मंदिर का चंदा हमसे ही लेना था, ठीक है, तो इलेक्शनों में प्रचार क्यों कर रहे थे? विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कंसिडर द पॉलिटिक्स भी बड़ी बेकार चीज़ है. द सेक्रेटेरिएट ऑफ UNFCCC इज लोकेटेड इन जर्मनी. कह रहा है इसकी जो सेक्रेटेरिएट है वो जर्मनी में लोकेटेड है. कह रहा है कि UNFCCC इज अ पेरेंट ट्रीटी ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल. ये क्योटो प्रोटोकॉल की बच्ची है, ऐसा कह रहा है. एंड पेरिस एग्रीमेंट, मतलब पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, ये UNFCCC के बच्चे हैं. ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट इज लार्जली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी विच रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल. कह रहा है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसी के बाद में पेरिस प्रोटोकॉल आया है. जो पेरिस प्रोटोकॉल है वो सभी मेंबर नेशंस पर क्या है दोस्तों, वो बाध्य है, उनके ऊपर इम्पोज्ड है वो, है ना. क्योटो प्रोटोकॉल एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था दोस्तों, वो आपकी इच्छा पर था, बट दिस पेरिस एग्रीमेंट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट. ये बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको सही स्टेटमेंट मुझे बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो जल्दी से आप बता दो बिना समय गवाए, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, जल्दी से. जो सही जवाब तो खुशबू ने दे भी दिया है, सबसे जल्दी खुशबू ने जवाब दिया है, बहुत अच्छे. सब्बास खुशबू, सब्बास. साई संतोषी, कोमल, सत्या, बहुत बढ़िया यार, सारे पुराने बच्चे हैं आज इस क्वेश्चन में. जो UPSC CSC के लिए तैयारी कर रहा है, हमारा चैनल है UPSC 101 यूट्यूब चैनल है. बच्चा बताते नहीं हो, जो पुराने बच्चे हैं आप लोग बताते ही नहीं हो यार. बताओ, अभी भी बच्चे में से पूछ रहे सर ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े, चैप्टर कौन सा पढ़े. एक बार इनको बता दिया करो सारे के सारे बच्चे, ना जिम्मेदारी उठाओ. जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा बताते रहा करो यार. अपने सर के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है आपकी, बताते रहा करो. देखो कितने मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे आपको दिख रहे होंगे बार बार, है ना. थैंक यू, है ना. तो थोड़ा सा बता दो इनको, है ना, ताकि ये लोग भी जो हैं जुड़ सकें, उससे चीज़ें कर सकें. ओके, बता दिया करो आपस में. ठीक है, सो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है भाई. देखो, इसका जो सेक्रेटेरिएट है UNFCCC का, वो जर्मनी के अंदर है. ये बात में कोई तोड़ है ही नहीं, कोई दोहराई है ही नहीं. UNFCCC जो है, इसी के अंदर में क्योटो प्रोटोकॉल आती थी, और इसी ने अभी पेरिस एग्रीमेंट कराया है. तो दोनों इसी के बच्चे हैं, पेरेंट ट्रीटी है इसकी की. ठीक है, और पेरिस एग्रीमेंट जो है भाई, पहले क्योटो प्रोटोकॉल था. क्योटो प्रोटोकॉल के गायब होने के बाद में, ये ख़त्म हो गई ना, तभी हमने पेरिस एग्रीमेंट किया है. ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो बाध्य नहीं था देशों पे, मेंबर नेशन पे, बट हाँ पेरिस एग्रीमेंट जो है ये बाध्य है. ओके, सो डी इसमें क्या हो गया, सही जवाब है. ठीक है, डी इसमें क्या हो गया, सही जवाब है. अब ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम से पढ़ रहे हो. ठीक है,
सो ये एक बार आप खुद देख लोगे। अभी 196 मेंबर नेशन है किसके अंदर में दोस्तों, आपका जो COP21 के पेरिस दिसंबर 2015 के अंदर जिन्होंने भाग लिया था, जो इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021। आपसे पूछ रहा है कि जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 है उसके संबंध में एक रिपोर्ट आई थी, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या, इट इज़ रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, कह रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के द्वारा जारी की जाती है। दूसरा कह रहा है द रिपोर्ट शोज़ द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ फ्रीडम इन इंडिया सिंस 2019, कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर 2019 के बाद भारत में स्वतंत्रता की गिरावट दर्शाते हैं ये रिपोर्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है इसके बारे में बताना, ध्यान से समझना। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है, चलिए तो मैं जवाब पूछ लेता हूँ। बट पहले पिछले सत्या, फील, आकाश, नेंसी, प्रिंस, उसके बाद है सोनम, उसके बाद अनिमेश, उसके बाद है संजू, स्वदीप शॉ, उसके बाद है ज्योति, उसके बाद अंजलि। ये सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया। सो आपको बताना नॉट करेक्ट कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें तो आपको मैं पोल जनरेट करके दे रहा हूँ दोस्तों, कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है, गलत है, जो जो गलत है वो बताना है, नॉट करेक्ट बताना आपको, गलत है जो, इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है मित्रों, जल्दी बताइए। और एक लोग आप में से इधर आ जाइए, मेरा सर दबाते रहिए, मेरा ये जबड़ा दबाते रहिए। चलिए, अच्छा रॉन्ग पोल है, किसने कहा रॉन्ग है, नहीं तो नॉट करेक्ट पूछा था मैंने। सत्य प्रकाश, अनिमेश जैन, टोनी स्टार्क, उसके बाद हैं प्रिंस, उसके बाद है सुदीप, ज्योति दिनकर, अंजलि, ज्ञाना, आशीष, तमन्ना, उसके बाद है खुशबू। बहुत बढ़िया खुशबू, शाबाश। चलिए सो बढ़ते हैं आगे। सो इसमें देखिए ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC इसको नहीं किया, ठीक है। सो ये किसने लागू किया देख लो, तो US के अंदर में एक ह्यूमन राइट वॉच डॉग फ्रीडम हाउस है, ठीक है। तो ये UNHRC ने नहीं किया भाई, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने नहीं किया, ये किसने किया था, USA के अंदर में है कोई संस्था फ्रीडम हाउस करके, वॉच डॉग फ्रीडम हाउस करके, ठीक है ना। सरकार इसको फंड देती है, US की गवर्नमेंट इसको फंड देती है, उस पैसे का इस्तेमाल करती है ये, और ये इंडेक्स जारी करती है। ये क्या कर रही है दोस्तों, ये 1941 से ही अलग अलग देशों में, जिन देशों में डेमोक्रेसी है, जिनमें लोकतंत्र है ना, उनको ये क्या करती है, उनको इंडेक्स के अंदर में उनको रैंकिंग देती है। तो द फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय USA बेस्ड ह्यूमन राइट वॉच डॉग फ्रीडम हाउस विच इज लार्जली फंडेड थ्रू द USA गवर्नमेंट ग्रांट हैज़ बीन ट्रैकिंग द कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी सिंस 1941, ठीक है। कंट्रीज इसके अंदर तीन कैटेगरी में डिक्लेयर की जाती है, फ्री जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो, पार्टली फ्री जिसके अंदर फ्रीडम कम, और नॉट फ्री जिसके अंदर में देश को मतलब कोई मुक्त वो ही ना हो, ठीक है, फ्रीडम हो ही ना। तो तीन भागों में इसको क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। पॉइंटिंग टू अ डिक्लाइन इन द ग्लोबल डेमोक्रेसी, अब इसमें अगर हम बात करें तो एक ग्लोबल डेमोक्रेसी की तरफ ये पॉइंट कर रही है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो इट इज़ बेसिकली पॉइंटिंग टू अ डिक्लाइन इन द ग्लोबल डेमोक्रेसी ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 साल से ऐसा हो रहा है। द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट सेड द नियरली 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द कंट्री दैट फेस डेट्रोइटेशन ओवर द लास्ट ईयर, इसका मानना क्या है कि 75% दुनिया की जनसंख्या ऐसे इलाकों में रह रही है जिसमें पिछले साल में जो डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र की वैल्यूज़ में, जो मूल्य है, जो आधार है, उसमें गिरावट आई है, ये बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, कह रहा है कि द मोस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड विद द स्कोर 100 आर फिनलैंड, सबसे अच्छी कंट्रीज कौन सी है जिनका स्कोर 100 है, मतलब टोटली फ्री कंट्री हैं ये, एक तो है फिनलैंड, दूसरा है नॉर्वे, इसके बाद है स्वीडन, ठीक है। जबकि जो लीस्ट फ्री कंट्री हैं जिनका स्कोर जो है वो एक है, एक या एक से कम, वो है तिब्बत, तिब्बत के अंदर कोई फ्रीडम नहीं है, सीरिया के अंदर कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है, आपको पता है। सो द रिपोर्ट जो है ये डाउनग्रेड, भारत का स्टेटस भी, इसने पहले भारत को फ्री में रखा था, अब इन्होंने पार्टली फ्री कर दिया कि भारत भी कम फ्री है। भारत का स्कोर जो था वॉज 67, अ ड्रॉप फ्रॉम 71 फ्रॉम द लास्ट ईयर, इस बार का भारत का स्कोर है 67, पिछली बार भारत का स्कोर क्या था 71 जो था, 71 जो था भारत का स्कोर था। तो 71 में हम किस में थे, आते थे दोस्तों फ्री कंट्री में आते थे, बट नाउ व्हाट वी आर कम्स अंडर द पार्टली फ्री, हम पार्टली फ्री के अंदर, ठीक है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. साइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. साइट्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन अंडर इट्स यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है. पहला, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर नेशन, ठीक है. और तीसरा क्या है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ साइट्स. भारत साइट्स का दोस्त है, भारत साइट्स का मेंबर है, दोस्त कह रहा हूँ, ठीक है. विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको, ठीक है. चलिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जिसको पता होगा उसको पता है, मतलब एक सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा इसमें. जैसे साई संतोषी ने लेस देन 1 सेकंड का टाइम लगाया इसमें. बहुत सही साई, शाबाश. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. साइट्स इनकरेक्ट पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट आपको बताना है. यार मेल का रिप्लाई देखो, जिसने मेल दोबारा नहीं किया, जिसका रिप्लाई नहीं आया वो दोबारा कर दो, ठीक है. दिगांत दोबारा कर दो यार, ठीक है, दोबारा कर दो, दोबारा देख लेंगे. एक्चुअली मेरे मेल्स जो है मैं नहीं पढ़ता, मेरी टीम पढ़ती है, तो वो जो है नहीं देखा होगा उन लोगों ने, तो आप दोबारा भेज दीजिए. जिसको लगे यार नहीं आया दोबारा भेज दो. एक निशा रॉय करके उनका मैसेज मेरे पास बार बार मेल आ रहा है. निशा मैं बात करूँगा आपसे, ठीक है, बहुत जल्दी बात करूँगा, डोंट वरी. ओके, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें ये आपको बताना. तो भाई साहब इसमें तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं. सत्या को पता थी ये बात, प्रिंस को भी पता थी ये बात, सुदीप भी जानता था, अंजलि भी जानती थी, ज्योति भी जानती थी, तमन्ना भी जानती थी, नैन्सी भी जानती थी, फील आकाश भी. अच्छा जो हमारे प्लस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ बहुत धांसू प्लान कर रहा हूँ आखिरी के एक महीने में, ठीक है. अब लास्ट 1 मंथ बचेगा आपका, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप रिवाइज करके रहो तैयार. लास्ट 1 मंथ तक अपना सिलेबस जो है ऑलमोस्ट फिनिश करके तैयार होके बैठ जाना, ठीक है. जो बहुत टाइम से प्लस पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 2021 को टारगेट कर रहे हैं, 22 वाले बच्चों के लिए नहीं कह रहा, 22 वाले बच्चों का अगले साल नंबर आएगा, ठीक है. तो बहुत ज़बरदस्त कुछ प्लान किया आपके लिए, बस ये मत पूछो, ये आपको यहाँ नहीं बता सकता मैं, ठीक है. बहुत ज़बरदस्त प्लान किया है, ठीक है. जो बच्चा इनका फ़ायदा उठा पाएगा ना इस चीज़ का, ठीक है, मतलब गारंटीड वो बच्चा क्लियर करेगा प्रीलिम्स, गारंटीड प्रीलिम्स क्लियर करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ. लेकिन लास्ट एक महीने, कंडीशन क्या है, जो बच्चे 2021 में अपीयर होना चाह रहे हैं, लास्ट का 1 मंथ पहले वो सिलेबस अपने फिनिश कर चुके हों, ठीक है. ज़बरदस्त प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त. चलिए, सो साइट्स जो है इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय यूनाइटेड नेशन अंडर इट्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP. तो बिल्कुल सही बात है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर ही होता है, सही है. साइट्स जो है लीगली बाइंडिंग है ऑन द मेंबर नेशन, जो मेंबर नेशन है, सदस्य देश है, उनके ऊपर एक लीगली बाइंडिंग है ये, ठीक है. तो ये जो है ये भी सही है, भारत इसका मेंबर है ये भी सही है. तो तीनों स्टेटमेंट सही है इस केस में, तो इनकरेक्ट का तो मतलब ही नहीं बनता भाई. देयर इज एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो इनकरेक्ट है यहाँ पे. तो डी इसका क्या हो गया, सही जवाब. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. सो साइट्स जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एडमिनिस्टर्ड की जाती है अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के अंडर में इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है. साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है किस पे दोस्तों, आपका मेंबर नेशन, जो सदस्य राष्ट्र हैं, देश हैं, उनके ऊपर बाध्य है ये. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ साइट्स, भारत भी इसका एक मेंबर है. तो तीनों बातें सही हैं, गलत कौन सा है इसमें, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. यार NPR ये बहुत दिनों से न्यूज़ में है, ठीक है, बहुत टाइम से न्यूज़ में है. तो आपको इसके बारे में बताना है मुझे, सही स्टेटमेंट क्या है. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, है ना. आपको मुझे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में बताना है. पहला, इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ये देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है, पहली बात. दूसरा, अ यूजुअल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु हैज रेजाइडेड इन अ लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 मंथ और मोर, और अ पर्सन हु इंटेंडेड टू रिजाइड्स इन द
दैट एरिया फॉर द पास्ट 6 month और मोर. ये एक सामान्य निवासी जो भारत में रहता है, जो पिछले 6 महीने से या अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता है, मतलब एक इलाके में निवास कर रहा है, या एक व्यक्ति जो अगले 6 महीने तक उस क्षेत्र में रहने वाला है, उसका इरादा रखता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिटीजनशिप एनुमरेशन ड्राइव. कह रहा है ये सरकार की जो नागरिकता गणना अभियान है उसका एक हिस्सा है. अब आप मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताओ. यार दोस्तों देखो, बार बार हो चुकी है बात, NPR में और NRC में बहुत, मतलब ये बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे, तो मैंने बताया भी था, मैंने पढ़ाया भी था इस चीज़ को, बहुत बार मैं इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ. बस आपको अब सही डिसीजन लेना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है दोस्तों करेक्ट है. ठीक है, सो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो आपको मुझे यहाँ पर बताना है. ठीक है, विद रिगार्डिंग टू द NPR. वन मोर थिंग दोस्तों, जो मैं बार बार आपसे बताता हूँ, यार कोई भी आपको कॉल करके कहे कि ये कोड यूज़ करो, वो कोड यूज़ करो, तो मत करो. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो पढ़ाते हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग विद यू वेरी हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हैं. सेल्स टीम वाले एक बार बताएंगे, उसके बाद में उनको नहीं पता कि आप कौन है और वो कौन है, क्योंकि वो भी बदलते रहते हैं ना. सो आपका एजुकेटर जो है वो यहाँ पर लंबे समय के लिए रहता है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, ऑलवेज़ यूज़ द कोड Sumit10. Sumit10 कोड का आपको यूज़ करना है, सो दैट आप मेरे साथ एक लंबे समय तक कनेक्ट हो पाओ और मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊँ. ठीक है, आपके पास मेरा एक्सेस रहे, आपको मैं खुद गाइड, ये तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, आप ऐसा करो. तो इसीलिए सभी बच्चा कोड क्या यूज़ करेगा, Sumit10. सत्य प्रकाश, उसके बाद है प्रिंस कुमार, उसके बाद है स्वदीप सौ, उसके बाद है ज्योति, उसके बाद है हमारे पास अंजलि. बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार. तो इसमें सही जवाब कौन सा है दोस्तों, इसका सही जवाब देखें तो ए इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है. पहला क्या है, कह रहा है कि हाँ, इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, है ना, रेजिडेंट वर्ड है यहाँ पे. यहाँ पे याद रखना, सिटीजन नहीं है यहाँ पे, वर्ड क्या है, सिटीजन नहीं है, रेजिडेंट. रेजिडेंट का मतलब क्या है, जो भारत में रहते हैं. ठीक है, जो भारत में रहते हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे, उन लोगों की गणना, मतलब इसमें सिटीजन के साथ साथ नॉन सिटीजन भी आते हैं, जो बेसिकली हो सकता है भविष्य में भारत के नागरिक बन जाए, वो भी आते हैं इसमें. सो ये एक यूजुअल रजिस्टर है. ठीक है, जो लोग भारत के किसी लोकल एरिया में रह रहे हैं पिछले 6 महीने से और आगे भविष्य में भी उनकी इच्छा है कि वो 6 महीने और रहेंगे, तो उनको लिखा जा, उनको एनुमरेट किया जाता है इसके अंदर में. ठीक है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिटीजनशिप एनुमरेशन ड्राइव. कह रहा है कि भारत की जनगणना का हिस्सा है, नहीं है भैया, उसकी जनगणना का हिस्सा ही नहीं है. सो इसके अंदर में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, तो 1 and 2 स्टेटमेंट्स, दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो सही जवाब क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सरकार की जो नागरिक जनगणना गणना अभियान, जिसको मैं जनगणना करते हैं ना, तो जनगणना तो किसके अंडर में आती है, सेंसस के अंडर में आती है ना भाई. जनगणना किसके अंडर में आती है दोस्तों, जनगणना सेंसस के अंडर में आती है, जनगणना इसके अंदर थोड़ी ना आती है. ठीक है स्मृति, सही रहेगा, आगे बढ़े. ठीक है, तो ये डिटेल में है. तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एक सिटीजनशिप का कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, ये सिटीजनशिप एनुमरेशन ड्राइव नहीं है, इट इज़ नॉट अ सिटीजनशिप एनुमरेशन ड्राइव. जो जनसंख्या रजिस्टर जो है, ये एक नागरिकता अभियान नहीं है भाई. As it is would record the even a foreigner staying in India. तो इसके अंदर में तो वो लोग भी रिकॉर्ड किए जाते हैं जो विदेशी हैं और भारत में रह रहे हों. ठीक है, इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट एट द कंट्री. भाई ये उन देश, उन लोगों के लिए जो भारत के सामान्य निवासी, और निवासी के अंदर में फॉरनर भी शामिल है इसमें. यूजुअल रेजिडेंट कौन होता है, एक पर्सन होता है जो किसी लोकल एरिया में पिछले 5-6 महीनों से रह रहा हो. ठीक है, और अ पर्सन हु इंटेंडेड टू रिसाइड्स इन द एरिया फॉर द नेक्स्ट सेम, मतलब पिछले 6 महीने से रह रहा है और आगे भी वो 6 महीने रहने की इच्छा व्यक्त करता है. वो कह रहा है कि मैं आगे भी भारत में 6 महीने रहना चाहता हूँ, तो वो व्यक्ति इसके अंदर में शामिल होता है. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हिमालयन सीरो. इसके बारे में बहुत बातें हम कर चुके हैं हिमालयन सीरो के बारे में, तो हिमालयन सीरो के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जो बतानी है आपको. ठीक है, कह रहा है क्या है, इट इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड ड्वेलर यूजली फाउंड 2000 से लेकर 4000 मीटर्स अबाउ द सी लेवल. ये कम से कम 2000 से लेकर ना 4000 मीटर की हाइट तक ये पाया जाता है. इट इज़ अ गॉट एंटीलोप, ये एक बकरी टाइप का मृग है, मैंने बताया था इसमें कई कई वेराइटी होती है. इट इज़ क्लासीफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट. कह रहा है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड डेटा बुक है, उसके अंदर इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वो हमने नामित किया है. अब आप मुझे इसमें सही जवाब बताओ कौन सा है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, गिव आर द करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है हिमालयन सीरो के बारे में. ठीक है, कई बार मैं आपसे बता चुका हूँ, कई बार मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ,
तो हिमालयन सीरो के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? कौन सा स्टेटमेंट हिमालयन सीरो के बारे में सही है? ओके बताइए। कोई बात नहीं स्मृति, ऐसा होता रहता है, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, ऐसा होता रहता है, आप परेशान क्यों हो रही हैं? गाइज आपको पता होगा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर सिर्फ आज आज के लिए वैलिड है, 31 मार्च तक था, मतलब आज, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है ना, आज उसका लास्ट डेट है, ठीक है? सो जो भी बच्चा ज्वाइन कर, देखो अभी राइटिंग बहुत ख़राब आ रही है, वामिल नहीं, सुदीप आप कह रहे थे ना सर कई बार आपने एक दिन मेरे को बोला था कि सर इंस्क्रिप्शन दिखता है, देखो कई बार ना मार्कर में ही प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ ना तो वो सही से नहीं चल रहा, कई बार ये यहीं से दिक्कत हो जाती है, ठीक है? कई बार ये यहीं से दिक्कत हो जाती है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं है ये, ठीक है? ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। हाँ ये एक बार पता है हिमालयन सीरो अपनी बंदी के पीछे कहाँ चला गया था? ये स्पीति वैली के अंदर चला गया था, वहाँ का है नहीं बट वहाँ पहुँच गया था। सर कैसे चला गया वहाँ? अपनी बंदी के पीछे चला गया था। ये हमारे टॉपर्स है भाई, सत्या, प्रकाश, प्रिंस, स्वदीप, ज्योति, अंजलि, तमन्ना, उसके बाद है नैन्सी, उसके बाद आकाश, उसके बाद है सोनम, उसके बाद है संजू। बहुत बढ़िया, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। सो वो वहाँ तक पहुँच गया था, हिमालयन सीरो जो है वहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है? मतलब उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वही कहाँ तक चला गया था वो। तो ये कि हाई ऑल्टीट्यूड ड्वेलर्स हैं जो 2000 से 4000, आपके समुद्र तल से 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालयन सीरो जो है पाया जाता है। ये गधे टाइप का भी होता है, ये गाय टाइप का भी होता है, बकरी टाइप का भी, सुअर टाइप का भी, हिरन टाइप का भी, मतलब ये मिक्सर है, बता नहीं सकते क्या है। तो सबका ये हाइब्रिड टाइप से है, मिक्सर सा है ये, ठीक है? सो इसके बारे में अभी काफ़ी न्यूज़ थी तो हमने देखा था इसको, सी इसमें सही जवाब था। ये गोट एंटीलोप इसको हम बोलते हैं, है ना? ये 2000 से 4000 ऊंचर पाया जाता है और ये वल्नरेबल है। IUCN की डेटा लिस्ट के अंदर में इसको कैसा नाम दिया गया? वल्नरेबल, ठीक है ना? वल्नरेबल है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये अपना बैच है जो 25 तारीख से स्टार्ट हुआ था, अभी तक सिर्फ दो ही क्लास हुई है, देर आर द ओनली टू क्लास, ठीक है, जो इसके अंदर हुई है अभी तक, अगर मैं आपको बात करूँ तो, ठीक है? 4 बजे इसकी क्लास होती है, बेझिझक आके आप मेरे से जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप ही की क्लास है ना? और कोड याद रखिएगा, कोड है सुमित 10। जिस बच्चों ने एनरोल कर लिया, जिनके पास सब्सक्रिप्शन, एनरोल कर लो, जिनके पास नहीं है दोस्तों अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए सुमित 10 कोड ही इस्तेमाल करना है। आपके पास कॉल आते हैं अनअकैडमी से, ठीक है? दे बेसिकली दे आर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो बोलते हैं कि कोई भी कोड लगाओ, ठीक है, बट फिर भी अपना एक कोड बता देते हैं कि ये कोड लगाओ, ठीक है? तो उनको बोल दो क्यों लगाएं, भाई हम सुमित सर से पढ़ रहे हैं तो हम सुमित सर का कोड लगाएंगे। फिर वो ये बोल भी देंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लगा लो। तो जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो आप सुमित 10 कोड ही यूज़ करो। वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए, बट हमारे लिए फ़र्क पड़ता है दोस्तों। हमारा स्टूडेंट है, हम चाहते हैं वो हमारी आइडेंटिटी से यहाँ जाए, ठीक है? इसी के लिए तो इतने दिन से काम करते हैं कि हमारा स्टूडेंट हो। कल को पढ़ाया मैंने, सपोज़ पढ़ाया मैंने, और कोई और कह देगा कि नहीं आप इसमें आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है भाई, मैंने पढ़ाया, स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया, तो मैं ये तो चाहूँगा ना वो मेरे नाम से रहे। सो इसलिए ऑलवेज यूज़ द कोड सुमित 10। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन द अनअकैडमी गाइज, प्लीज़ यूज़ द कोड अनअकैडमी, प्लीज़ यूज़ द कोड सुमित 10। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उस केस में मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है? मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा तरीका है मेल करना, ठीक है? सो आप मेल कर लीजिए। और अभी अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जिसपे 4 महीने का आपको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर, चाहे आप प्लस लें चाहे आइकॉनिक लें, ऑलवेज़ यूज़ दिस कोड, आपको यही कोड इस्तेमाल करना है, सुमित 10, ठीक है? नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तो याद रखेंगे मेरा कोड है सुमित 10, ये अपना टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों इसको, ठीक है? चलिए, सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। बाकी मैं अभी आपके कॉमेंट्स पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन मैं आपके देख लेता हूँ, ओके?